بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا كالذي استهوته الشيطان في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين گزشتہ چند آیات مقدسات دے اندر اللہ کریم نے جماعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب فرمایا حکم اے فرمایا کہ جس محفل دے اندر میرے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے خلاف تذکرے ہو رہے ہوئن مسلمان دی شان دے اور ایمان دے خلاف ہے کہ ایسی محافل و مجالس دے اندر بیٹھا رہے پھر اللہ کریم نے اپنے سونے محبوب محمد معصوم نو بھی خطاب فرمایا فلا تقعد معاہم کہ میرے محبوب جتھے سراسر تے پیغمبر دی مخالفت اور عداوت ہو رہی ہوئے توانو بھی بحیثیت رسول دے ایسی محافل چ جا کے تبلیغ کرنے دی ضرورت نہیں ہے
क्योंकि सोसाइटी महफिलो मजालिस दा बहन वाले लोगों उत्ते काफ़ी असर होता है। इस वास्ते तुसा भी और अपने मुखलसीन नो ए तालीम दे दियो कि जिथे कुरान और सुन्नत के खिलाफ तालीम और तबलीग हो रही होवे उत्थे मुवाहिद दा बहना रब नू पसंद नहीं है। जिथे भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ महाफिल मजालिस सजाइया गई सन उन्हों का असल मकसद क्या है? इत्तखज़ू दीनहुम हुज़वन, उन्होंने तय सोने मुहम्मद पाक की पाक शरीयत का ठट्ठा और मजाक करना है। लिहाजा ऐसी महाफिल के अंदर तुहाडा बहना ए सरासर मेरे दीन दी भी तौहीन है और साथ साथ दीनदार लोगों दी भी तौहीन है। दूसरा नुकसान ये होना है इदे तू अकेला है मेरा मुहम्मद रसूलुल्लाह ते जेड़े महाफला तेरे खिलाफ सजा के बैठे हैं वो इक्का दुक्का तो है नहीं, वो तो सैकड़िया की तादाद ते फिर बड़े जुब्बे कुब्बिया आले बड़े सफेद रीश किस्म के लोग आम सादा किस्म के बंदे नु क्या पता भई ये चिट्टी दाड़ी नाल झूठ बोल रहा या सच बोल रहा। तू इदू अकेला है उदे छट छुट्टी हुई है, हो सकता है कि कोई सादा लौह किस्म का बंदा उन्हां दी महफिल च जाए और उन्हां दियां खराफात नू सुन के किदाई अपने ईमान नू जाए ते बर्बाद ना कर पाए। इतनी भी सोच अगर पैदा हो गई अच्छा ओ फिर अकेला मुहम्मद सच्चा है ते ये सारे चिटियां दाड़ी वाले बेईमान है, मालूम होता कोई ना कोई गल तो विच जरूर है। तो चूंकि इत्थे मामला सिर्फ मौलवीयत का नहीं, एक पासे मौलवीयत है दूसरे पासे नबूवत है, तो नबूवत का मुकाबला मौलवीयत नाल क्या है? नबूवत एक ऐसा मनसब रब देंदा है और उसने वजूद ते सेहरा छकईंदा है जिस वजूद की हिफाजत विलादत तो लैके वफात तक खुद रब आप फरमाईदा है। मगर आम आदमी इस चीज की परख नहीं रखता, जिस तरह के अजकल भी इस तरह है। एक साइड ते अल्लाह का कुरान पढ़ के सुनाया जा रहा है, प्यारे महबूब मुहम्मद मासूम और मखदूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पढ़ के सुनाई जा रही है, मगर लोग फिर भी आते हैं ये एक सच्चा है बाकी सारे कूड़े हैं। तो इस वजह तो अल्लाह पाक ने मोमिनीन नो मना फरमाया कि हर बंदे का मिजाज ऐसा नहीं होता, लिहाजा जेड़े कुरान और सुन्नत के खिलाफ महाफिलो मजाले सजावण वाले मुआनदीन किस्म के लोग होवेन खबरदार मुवहदो, अगर अपना ईमान बचावना तो उन्हां दियां महफलां च तुहाडा बहना भी मैं रब ने पसंद नहीं फरमाया। हां एक सूरत है हत्ता यखूजू फी हदीस गैरे ही,
जब तक इस खराफात तू ओ तौबा ना कर ले, या ऐसिया महाफला मजालसा सजावन तो रुक न जावे, उस वक्त तक ऐसे बंदे नाल मुलाकात करना, मिलना, उठना, बाना मुसलमान वास्ते जायज नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर वो तौबा कर जावे तो फिर तुहानू उन्हां दे विच जा के बैठना चाहिदा है, ताकि अल्लाह की किताब की तालीम दे के उन्हां दी इसलाह करो। होर अगली आयत दे अंदर जिहड़ी मैं पढ़ी है, इस आयत मुकद्दसा दे अंदर अल्लाह करीम उन्हां मुशरकीन और मुखालिफीन इस्लाम दी महाफिल दा मकसद बयान फरमाया है कि उन्हां दा असल ए महाफला सजावण दा मकसद क्या है। एक बंदा घर बह के भी तो दीन दी मुखालफत कर सकदा, कई ऐसे तुहानू लोग भी मिल सन जिहड़े डायरेक्ट अल्लाह नू भी गालां कढ दे, भौक दे, तो घर बह के भी दीन मुस्तफा की मुखालफत तो हो सकती है। स्पेशल स्टेज सजावना, आवाम नू कट्ठा करना, महाफिल ते मजालिस का इनेकाद करना, इसका असल मकसद क्या होता है? यह दुए लफ्ज है तुसा मेरे ख्याल इन जल्दी समझ में सो भी इन्हों का असल टारगेट क्या है, इन्होंने निशाना किसनों बनावना होता है, उसका मकसद रब दे कुरान की इस आयत ने वाजे कर दिया। कुल अनदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउना वला यज़ुरुना, ते जो कसरत तादाद नाल हर पासे तुसा झंडिया लहरा लिया है, झंडे लगा दिते हैं, चरागा कर दिता है, हर जगह उत्ते तुसा महाफला मजालसा छका दिती है ना, इन्हां दा असल मकसद क्या है? अल्लाह फरमांदा है इन्हां दा असल टारगेट ये है कि लोगों के दिलों विचों मैं रब दी तौहीद वाला जेवर मिट जाए, इन्हां दे दिलों के अंदर खुदा दा राज ना रहे, गैरुल्ला वल इन्हां दा ताल्लुक ते ध्यान ते तवज्जो हो जाए, इन्हां दे दिलों विच अकेला रब वसण वाला ना हो। तो मतलब क्या है? ऐसी महाफिल दा असल मकसद और ऐसी महाफिल दे इनेकाद करने वाले दे अंदर असल अदावत ते दुश्मनी रब दी तौहीद ना, ये नहीं चाहते कि लोगों के दिलों के अंदर वसण वाला कौन होवे, एक अल्लाह। भाइयो, ये कुरान पाक ने इस बात की वजाहत फरमाई है, ये मेरा कोई अपना इख्तराई इज्तिहाद नहीं है जिहड़ा मैं बैठा जाहिर करदा, ये खुद कुरान ने फरमाया और अल्लाह ने स्पेशल अपने पैगंबर नूं फरमाया, कुल जिथे इंज दियां महाफला होवे उत्थे गज के तू मेरा मुहम्मद रसूल अल्लाह साडी तौहीद दी गवाही दे जो, तू लोग रोए दस दे कि सारी कायनात भी अगर मिल के आ जाए, ला यनफउना वला यज़ुरुना, ना सानू कोई नुकसान देवन वाला है ते ना ही सानू कोई नफा देवन वाला है, नफे ते नुकसान दा मालिक अकेला कौन है? एक अल्लाह दी। तो इत्थों साफ साबित होता पाया कुरान पाक तो कि ऐसिया महाफला सिर्फ रब की तौहीद की मुखालफत मुहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत ते सीरत के खिलाफ इस्तेमाल कीतिया वेंदियां। तो कुरान ने साबित फरमाया जिथे भी कुरान सुन्नत के खिलाफ महाफिल ते मजालिस होवे उत्थे मोमिन दा जावना मैं रब की गैरत बर्दाश्त नहीं करदा।
ये तो आम फाम बात है, बच्चे होंगे ना साढ़े, मासूम बच्चे होंगे, थोड़े जे वडेरे होंगे, असं उन्हां दी तरबियत करते हैं, बेटा फलां बंदे दे नाल नहीं जाके बाणा, उन्हां दी महफलां च नहीं बाणा, वो छोर बड़ा गंदा है, वो गंदी सोसाइटी है, असं उन्हां दी तरबियत करा दी कोशिश करेंदे है भी इब्तिदा अन तरबियत हो गई तो अगली जिंदगी साड़ी औलाद की सौखी तो सुथरी गुजर पई सी। तो सोसाइटी का महफिल का बड़ा असर होता है, इस वजह तो रब ने मुहम्मद की जमात वास्ते ये हुक्म फरमाया है। ठीक है तुसा अंदरों भी सच्चे बाहरों भी सच्चे, मगर गंदियां बंदियां की गंदी महफिल च बाहरा मुसलमान सुथरे नू ये सेब नहीं देना। इस वास्ते अल्लाह ने फरमाया, कौल फरमा दीजिए जी, ओ इत्थे तेरे मुकाबले के अंदर इतना गंद फैला रहा है तो तू मेरा सोना मुहम्मद साडा कुरान लैके साडी तौहीद दी गवाही दे। उन्हां दे पास कोई दलील नहीं, खुद कुरान ने फरमाया है कि दीन इस्लाम दे मुखालिफ दुश्मन दे पास ना उहदे कोलों अपने मजहब की दलील आती है तो न साडे दीन इस्लाम के त्रोड़ों की कोई दलील आती है, उन्हां दे पास कोई दलील नहीं आती। इस वास्ते अल्लाह ने सोने मुहम्मद मासूम नूं क्या फरमाया, अर्रहमान, पहले फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, मैं रब दा खास तुहाडे उत्ते फजल होया है कि तुहाडी तालीम और तरबियत वास्ते मैं रब ने लोहे महफूज तो कुरान नसीब फरमा छोड़िया है। इल्म दा होवना, अपने नजरियात दी दलील दा होवना, अर्रहमान ए सब तो वड्डा फजल कहिंदा होंदा है, ये अल्लाह दा है। ते मोमिन ते रब दा सब तो वड्डा फजल ए होया है कि दिन कयामत तक इहदी तरबियत वास्ते रब ने नुस्खा कुरान पाक इहनू नसीब फरमा दिता है। ते मुशरिक दे पास ना उहदे मजहब की दलील होंदी है ते ना ही कुरान दे तोड़ दी काई दलील होंदी है। देखो कैसी मजबूत दलील और इल्म अल्लाह ने सोने महबूब नू नसीब फरमाया कि उस वक्त दे दौरे च, हुण अज तो तकरीबन 1450 साल या 1500 साल चा करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दौरे नबूवत और उन्होंने कलबे मुकद्दस ते नुज़ूल कुरान रब ने फरमाया, पहले दिन तू मेरे महबूब के खिलाफ ते रब दे कुरान के खिलाफ मेहनत जारी है। मौलवियां कीती, नंबरदारां कीती, अमीरां कीती, सरदारां कीती, लुचियां लिफंगियां कीती, पीरां ने कीती, गद्दी नशीनां ने कीती है, मगर देख लो फिर भी गलबा रब ने दिता है तो दीन मुहम्मद रसूलुल्लाह ने दिता है। इस दीन नु मिटावन वालियां दा नक्शा ही रब ने मिटा दिता है, मगर कुरान कयामत तक आए, पहले दिन तो इसकी मुखालफत हो रही है, मगर फिर भी रब ने वादा फरमाया, इन्ना लनंसुर रसूलना, ओ मेरे रसूलो परेशान नहीं होना, मैं रब दी नुसरत दा हाथ तुहाडे ते ही रह जाना, सारी दुनिया मुकाबले च आ जाए, अगों तुहाडे मेरे वर्गे कमज़ोर इंसान मोमिनीन ने यह सोच पैदा हुई, चलो ये तो अल्लाह के महबूब जो होए मासूम पैगंबर होए, अल्लाह ने इन्हां दे नाल तां नुसरत दा वादा कीता ते असा गरीबां दा केवल सी, अगों नाल ही अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया, जिवें रसूलां दी दुनिया ते मैं रब ने नुसरत करनी है, इंज ही मेरे रसूल दे नक्शे कदम ते चलण वाले मोमिन दी भी कंड मैं अल्लाह लगा नहीं दे। ये सिलसिला है मुखालफत, दीन इस्लाम नाल मुखालफत ते अदावत 1500 साल तो आ रही है।
मगर अजे तक भी दीन मुस्तफा जिंदा है कि नहीं है? जिंदा है तो असही बैठे हैं तो रब का कुरान सुनेंगे। अगर मुर्दा हो जाता तो फिर आज दुनिया उत्ते रब का कुरान न रहा। कुरान इस वजह तो अजा दुनिया से मौजूद है कि इस कुरान की इज्जत करने वाले भी दुनिया च मौजूद है, क्योंकि आखिरी निशानी तो क़यामत दी ही है कि सुबह ले कुरान खोल के विकसाएं वरके सफेद होसन हरूफ रब ने उठा लेना है, खाली वरके होसन। उतां अल्लाह ने कुरान नू उठा लवना है कि जद उसकी इज्जत करा अल्लाह दुनिया ते कोई नहीं है तो फिर कुरान नू दुनिया ते रखण दा फायदा कोई नहीं। तो खैर बहरहाल अल्लाह दे महबूब मुहम्मद मासूम व मखदूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुखालफत ऐसी मुखालफत ते अदावत जिन्ना दुश्मनियां दा अज तक असा तुसा मुंह ही नहीं देखा। जड़िया मुसीबतें जो मुहम्मद रहमतुल्लिल आलमीन नू रब ने गुजारे है, मगर फिर भी अल्लाह ने अपने नबी नू फरमाया कुल जिथे इंज कोई तेरे दीन नू भौकण आला होवे ते तू चुप करके बैठा रहे, नहीं वो अपने घर लगे पैन जिथे कोई लगा पे है लगा रहे, नहीं जिथे साडे दीन दी दीवार नू कोई ढाहण दी कोशिश करे तू सबक दे अपने मोमिनीन नू के उत्थे चुप करके नहीं बोला जिथे सारे मुल्ला गैर अल्लाह दी तारीफ पे करे दे होवे उत्थे अगर कबीर आले दे विच गरीब जिया मुसलमान अकेला भी क्यों ना होवे उस उत्ते फर्ज ए है कि मेरा कुरान पढ़ के मैं रब दी तौहीद दी गवाहियां दे जोड़े। ये न सोचे बे नहीं वो तो मुड़ा अपने घर जो लगे बैठे, ठीक है वो अपने घर लगा बैठा तो ओदे घर न वाले, मगर जिथे इंज कुफर पिया नचदा होवे उत्थे मोमिन दी गैरत नहीं बर्दाश्त करे दी कि आखे मैं तो चुप करके बैठा मेरे घर तो कुछ नहीं है। जिथे उन्हों मौका मिले उत्थे रज के रब दा कुरान पढ़ के दुनिया नू समझाए कि सारिया इज्जत दा खजाना बन के आया तो सिर्फ मेरे मुहम्मद दी शरीयत दीन बन के आया। तुस आप अंदाजा लगाओ यहूदियों दे मौलवी ईसाइयों दे मौलवी कुरेशियों दे वडेरे मजहबी पेशवा ते एक रियासत मक्के दी नहीं रोम दे ईसाई यमन दे शाम दे कैसर दे मुख्तलिफ किस्म दे दुश्मन बल्कि इंच समझो उस दौर दे अंदर अकेला मोहम्मद है ते सारी दुनिया मेरे मोहम्मद दी दुश्मन है, मगर उस मौके ते भी अल्लाह ने अपने नबी नू क्या फरमाया कुल चुप नहीं करनी तू मेरा कुरान पढ़ के दुनिया नू समझा दे दुनिया रहते भावे न रहे मोहम्मद तो ही दा सबक देवन तो रह सकदा नहीं है। अज वेख लो जितनिया महाफल बन दी इसे तौहीद के खिलाफ बन दी कि नहीं बन दी, वह इसे तौहीद के खिलाफ ही है ना। सिर्फ मुशरक नू तकलीफ है तो ला इलाहा जे मुहम्मद रसूल अल्लाह नाल प्यार है तो ला इलाहा इल्लल्लाह दा सबक भी तो मुहम्मद रसूल अल्लाह ने दिता है, ओ क्यों नहीं मनता? तो मतलब ये है सिर्फ दिखावे वास्ते नबी दा नाम चुमदा चटदा है, दर हकीकत मेरे महबूब दी नबूवत ते ईमान नहीं रखदा। तो खैर बहरहाल अल्लाह ने अपने महबूब नू फरमाया तू इन्हां नू आख तुसा जो ये महफलां बनाइंदे हो तुहाडा के मकसद है भी असा रब दी तौहीद नू छोड़ के ते तुहाडे आले पासे आ गए सा? तो कुरान ने साबित किया ना जो महाफिल सजावण का मकसद के है
मुसलमानों नू दीन तो क्या करो, दूर करो, कुरान सुन्नत तो दूर करो, उन्होंने फजाइल अमाल की तालीम दियो, उन्होंने अकाबरीन की ज़हन साजी करो, बुजुर्गों की इज्जत ते अजमत बयान करो, सारे दे सारे मुलवंटियां दियां इज्जत दियां बहारा बयान करो। मगर जे इज्जत नहीं करनी तो रब दे कुरान दी नहीं करनी, सोहणे मुहम्मद मासूम दी सीरत ते सुन्नत दी इज्जत नहीं करनी। भाइयों तुसों ते असा किसे गार च नहीं रहंदे, ये जेड़े मैं बैठा गुजारिशात कर रहा ये रोजमर्रा तुहाडी मेरी जिंदगी दे अंदर पेश आते हैं। जिथे कोई दीन दी गल च करे फौरन लोग को अदर, अच्छा तैनू चोखा समझ आ गया, सिर्फ तू मुसलमान है बाकी सारा जहान काफिर, जे वत भी नहीं खलोंदा तो वत के आखसी, अच्छा जे तेरी मन लवाए तो साढ़े पिछले मोयो भी सारे काफिर सारे जहन्नम च गए, एक तू ते तेरे प्यो जन्नत च वैणा। मेरा भाई तैनू सारे नाल क्या गर्ज है, जदा खावण दा टाइम आंदा तू अपनी छब्बी वखरी ले बैठा है, पर नीमण दा टाइम आंदा रन वखरी ले बैठा है, घर बनावण दा टाइम आवे हवेली वखरी ले बैठा है, जिथे मुहम्मद दे दीन दा नंबर आवे उथे सारे जहान नू इकट्ठा करेना, छोड़ सारे जहान नू, एक रब दे कुरान दी इज्जत तू चकर, दोवां जहान दी इज्जत दी चादर खुद नसीब फरमा दे सी, दुए सारे मामले च वखरा है वखरा है अलग है, मगर जिथे खुदा दे दीन दा मामला आवे उत्थे तेनू बिरादरी याद आवेंदी, उत्थे तेनू लगदे लैंदे याद आवेंदे, ओ सौ साल पुराने मोयां दा भी शजरा नसा पट के लै आंदा। मूसा अलैहि सलाम गए ना फिरौन दे सामने, उन्होंने मन के रब दी तौहीद बयान फरमाई, चुप करके सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा। मैं पहले भी दसिया मुशरक दे पास अपने मजहब की दलील नहीं आती, अल्लाह के पैगंबर ने दलैल दे अंबार लाए तो एक कल्ला तहाई नहीं नाल उसका भाई हारून भी आई। मूसा अलैहि सलाम चुप करे, हारून आके फिराओ हूँ तू चुप कर मैनू थोड़ी जी तकरीर कर दे, मैनू भी कोई दलैल सुनावड़ दे, वो थोड़े जे मठे होवे तो मूसा अलैहि सलाम शुरू हो जाए, ताबड़ तोड़ रब की तौहीद दे दलैल दे इंज वार कीते, फिरौन दा चेता ही रल गया। जदा चेता रलिया सा होर तो कोई दलील मिली उस कोई ना, आखन लगा अच्छा मूसा वो जेडे साढ़े बजुर्ग ते वड़के पहले मर गए उन्होंने के बन से गल समझ आई ने, वह पिछलिया दे आ गया कंजा रहा, गल तेरी नबी दी तेरे नाल पई होती, तैनू पिछलिया का फिक्र पहले पै गया, पहले तैनू सोचना चाहिए कि तू पैगंबर दे दलाल नू मनेंदा या नहीं मनेंदा। अपनी गल ने की क्या साडे जिहड़े पिछले मर गए उन्हां दा के बण सी, वह भी जहन्नम है। हुण उहदा असल मकसद यह है भी ये जितने भी बैठे ना मेरे सज्जे खब्बे ये अक्सर उह तो जहन्नम च गए, हुण प्यो दादा कई नू कौड़ा होता है, वह किसी नू कौड़ा है, है? हुण जे बई ये अक्सी ना बई उह तो सिद्धे गए खट्टे टीट काफेरां जहन्नम च गए, चलो मैं चुप करते बैठे रहा, ये जिहड़े सज्जे खब्बे बैठे ये खंडल लिया हो, अच्छा तू नवा दीन लैके आ साडे प्यो दादे नू जहन्नम ही सदी खला। मकसद होंदा शरारत करना, मकसद होंदा अवाम नू उभारना, वरना मुशरक दा भी दिल मंदा है कि कुरान ला रैब है मुहम्मद बे आयब है, कुरान च रैब नहीं आ सकदा मुहम्मद च आयब नहीं आ सकदा। तो अगों मूसा अलैहि सलाम भी परेशान हो गए, यार भाई इस बड़ा पुट्ठा जिहा सवाल कीता है, हुण मैं इहनूं कि जवाब देवां, अल्लाह ने खुद उस दे सवाल दा जवाब जिहड़ा है अपने मूसा कलीमुल्लाह नूं सिखा दिता, तू इस नूं इह जवाब दे, जदों उस आखिया ना जो पिछलिया दा के बण सी, मूसा अलैहि सलाम आखिया काल इल्मुहा इंद रब्बी,
जेड़े मर गए हैं उन्हां दी हकीकत जान वाला कौन है। वो चले गए हैं उन्हां दे हक च जिहो जिहा फैसला फरमाए। ये इख्तियार उसदा है, मेरा इख्तियार नहीं है। उन्हां दी हाल हकीकत दा इल्म रखण वाला कौन है। वो इत्थे फिरौन फबोहित अल्लज़ी कफर, उदी हवा निकल गई भी मैं तो बड़ा टाणा लाया आई भी किसे न किसे तरीके नाल जान छोड़ो सी। इस तो बड़ा सोहना जवाब जा दिता है, होर के करा। उसले आखन लगा वो मर का इसनू वेखे ही ने। हाँ जी वेखे पे सहार। ये बहुत बड़ा तजर्बाकार जादूगर ही ने। कौन है जादूगर? उस जादूगर का उन्हें पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर। वो अच्छी तरह जानता है क्योंकि पलिया जो मिस्र च मूसा अलैहिस्सलाम, उन्हें अच्छी तरह पता है कि ये जादूगर है। मगर उस आख्या क्यों है? उस इस वजह तो आख्या है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बितरतीब दलायले तौहीद इंज दे बयान किए हैं कि फिरौन का भी अंदरों दिल मनी बैठा है कि मूसा सच्चा है। हूँ सच न मनी तो बैठा है, हूँ उस सच न रंग कह दिता से ये जादूगर है। ये क्या है भाईओ? तुहाडे मेरे वर्गा को मुलवंता तो है ही नहीं। पैगंबर की बात ही बड़ी आला होती है। पैगंबर जदा खिताब करता है एक बारी दिल नो हला छोड़ेगा। ये मुल्ला ते पीर की बात नहीं है। इसे वास्ते मेरे मोहम्मद पाक नु आदे हन हाजा साहिर, ए जादू कर रहे। अबू जहल कोलू उसकी अपनी पार्टी आख्या, ओ ना मुरादा तैनू पता है मोहम्मद किसे कोलू कोई पढ़िया लिखिया नहीं है, जादूगर नहीं है। फिर तू ओनू जादूगर क्यों आना? वो आता है जिस टाइम बुलेंदा है ना, अल्लाह की कसम है दिल इंज करदा है कि दुनिया का खजाना चाह के मोहम्मद के कदम सर छोड़ा। मुहम्मद के नाम का सच्चा कोई नहीं है। इसकी हर बात दिल से असर कर रही है। एक तुरदा वैदा होवे एदी डोर नहीं देख दुनिया इस मुहम्मद की दीवानी हो जाती है। इंज का कमाल बशर के अंदर होना ये मेरा दिल नहीं मनता। इसके अंदर कोई ना कोई खासियत ऐसी है। खासियत तो आई ना, अल्लाह जो कसम चाह के फरमाया है मेरा सोहना मुहम्मद बचा के रखी कोई नहीं है। इंज तो नहीं ना हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने स्पेशल नबी पाक ने अपने मिंबर दे नाल एक मिंबर बना के दिता है हजरत हसन नू। ए मुशरकीन जड़े होंदे हन ओ नबी पाक दी बेअदबी दे अंदर अशार पढ़दे आ, ते अगू हज़रत हसन जड़ा है ओ सोहणे मुहम्मद दी इज्जत ते अजमत दे अंदर उन्हां नू शेरां दी सूरत जवाब देंदा। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मिंबर दे नाल ही एक मिंबर बनाया। तो अल्लाह दे महबूब मिंबर ते तशरीफ फरमा होंदे हन ते हज़रत हसन फिर खलो के मुहम्मद करीम दी तारीफा करेंदा। तवज्जो करिया है, हुण अल्लाह दे रसूल बैठे होवे नाल नाल गुलाम मुस्तफा होवे हज़रत हसन, ते इंज अंगल दा हथ दा इशारा करके मुहम्मद करीम वल इंज इशारा भी करे ते सोहणा मुहम्मद इंज सिर मुबारक सट के बैठा होवे ते हसन दुनिया दे रूह मुँह फेर के मुँह मुहम्मद वल च करे, इशारा उदो करके फिर आखे अहसन मिन कलम तरा कद्दो आए लो। मैनो रब दी कसम है दुनिया दी अख ने तय मोहम्मद जैसा डिठा ही कोई नहीं है। ते तैनो खुलकत मुबर्रम मिन कुल आई बिन कअन्नक कद खुलकत कमा तशाउ। सोहणियो खुलकत मुबर्रम मिन कुल आई बिन, जदा रब तैनो बणावे लगा है जिथे जिथे जीवे जीवे रब नू आथा गया है। रब ने तेरी मनशा के मुताबिक तेरे वजूद नू सोहना बना छोड़िया है। कद खुलिकता कमा तशाउ, जैसा कि आप चाहते थे
उस चाहत से पहले रब ने आपको ऐसा ही बना दिया है। तो ऐसा बा कमाल पैगंबर, तो फिर वेखो मुखालफत ही वेखो, जिमें इंतहाई दर्जे का बा कमाल है उन्हें मुखालफत भी इंतहा दर्जे की है। मगर किसी सूरत भी सोहरे मुहम्मद पाक ने तौहीद का बा बयान करन नू छोड़िया नहीं है। तां तो इत्थे कोई आखे जा उस्ताद जी इहो तौहीद तौहीद ही लाई वधे, कोई होर मसला ही सुनाओ जा। अगले जुम्मे तो आंदा ही नहीं भैया, ये कुल तो सिवा इस दे होर कोई शह नहीं। कुरान की कड़ी आयत है जिस आयत के अंदर अल्लाह ने अपनी वहदानीयत की दलील न पेश फरमाई हो। कुरान तो अपनी जगह पर रह गया। अल्लाह दा यतफक्करून फी खल्क समावात वल अर्स, तू कायनात फिर के वेख लै, तैनू एक एक पत्थर ही चू भी मैं रब की तौहीद की सदा पे निकलती हुई सुनी सी। जर्रा जर्रा कायनात के अंदर मैं रब की वहदानीयत की दलील हो सी। तो इस वास्ते अल्लाह ने अपने महबूब नू फरमाया, قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا, اے میرا پیغمبر تو انہاں نو سمجھا دے اسا کہ صورت وچ وی اس رب دا در چھڈنا نہیں ہے, تسا جتنا زور لگا لو साड़ी मेहनत नु नुकसान पहुंचा सकदा, क्यों इस वजह तो नफे ते घाटे ते फैसले करने वाला कौन है। वनुरद्दु अला आकाबिना, तुसा मेहनता तां पे कर दियो, नुरद्दु सानू दीन इस्लाम तो हटावना चाहते हो। रद दमाना लौटावना हटावना, अल्लाह फरमांदा है इना दियां मेहनतां दा मकसद है कि जट्टां नूं ईमान ते इस्लाम वाले पासे आवण नहीं देण। अठवें दिन जुम्मा हुंदा है, हुण तुसां अपनी तादाद ही वेख लो, तो इतना ही बाहरों लग जाए लंगर हलवे का, ढोल ढमका ही होवे, नाल एडी दाड़ी वाला नचदा ही खलोता हो, पूरा शहर कट्ठा हो सी कि ना हो सी। इस तरह ही है ना, हसन की गल नहीं है। मुसलमान नू अफसोस करने का मौका है। पिछले साल तो मिलादुन नबी तो होर भी निकल आईया, मुल्तान ही ना ही निकली, डिठी सारे वधे, मगर दिल नहीं करें तो हम बैर कट्ट वास्ते होर मुल्तान च निकली है। उन्हें बकायदा पेश की 30,000 भर के रेंट तो होर ले आए। तो वेखो खुशियां किस शख्सियत दियां किस हस्ती दियां मनाईया जा रही हैं। मैं गालिबन अगे भी तुहानू सुनाया है, जो पैगंबर एक काफिर दी धी दे सिर तो लत्थो या बर्दाश्त नहीं करेगा, उस पैगंबर दे नाम ते गैर महारम लड़कियां नू बाजार दे चौक च नचावना, ये असल मकसद क्या है कि दीन मुस्तफा तो मुसलमाना नू हटाया जाए। एडिया होर सस्तियां होंदियां तो एदा जिक्र रब कुरान च ना फरमाया, एडिया सस्तियां होंदियां तो कह ना कह आयत दी नुक्कर च मुल्तान का नाम ही लिखा खलोता होया। एक मौलाना रोम साहब ने एक वाकया लिखा है, एक हजरत साहब और बड़ा अरसा हो गया
ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਸੂਰਤ ਅਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਪੜ੍ਹੇ। ਇੱਕ ਜੱਟ ਆਈ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ 'ਚ? ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਮਣ ਮਣ ਦਾਣੇ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਸਮਝੇਨੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਿਆਇਆ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਗਏ। ਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤਦੀ ਇਮਾਮ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਜੇ ਵਾ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਸੱਲੇ 'ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਪਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨੇ। ਸੁਬਹ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅਲ ਬਹਰੈਨ ਯਲ ਤਕੀਆਨ ਬੈਨਹੁਮਾ ਬਰਜ਼ਖੁਲਾ ਯਬ ਗਿਆਨ ਫਬੇ ਅਯੇ ਆਲਾ ਏ ਰੱਬਿਕੁਮਾ ਤੁਕਜ਼ਿਬਾਨ ਵਲ ਬਲੋਚੀਨ ਵਲ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਫਬੇ ਅਯੇ ਆਲਾ ਏ ਰੱਬਿਕੁਮਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਿੱਛੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਹਰੀਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਵਨੋ ਰੱਦੋ ਅਲਾ ਆਕਾਬਿਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਦਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋਮਿਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਦ ਇਜ਼ ਹਦਾਨ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿਦਾਇਤ ਚ ਦੇਵੇ, ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਦੌਲਤ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਪੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੋਮਿਨ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਸੌਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਏ ਕੱਲਾ ਜਿਸਤਾ ਵਤੁ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਲ ਪਿੱਛਾ ਵੱਲ ਵਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੰਨੇ ਆਏ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਏ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸਤਾਵਤ ਹੁਸ਼ੈਤਾਨੋ ਫਿਲ ਅਰਜ਼ ਹੈਰਾਨ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਫਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਖੜ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਵੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਖੜਿਆ ਵਧਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵਧਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲਹੂ ਅਸਹਾਬੁਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਫਦ ਨਾਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਫਦ ਵਾਲੇ ਅਸਹਾਬ ਸੰਗੀਤ ਸਾਥੀ ਯਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੜ ਮਰਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੁਲੈਂਦੇ ਇਲਾਹੁਦਾ ਹਿਦਾਇਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੁਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਦਿਨ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਇੱਦੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ ਵਧਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਤੇ ਬੇਲੀ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀ ਤੇ ਸਾਥੀ ਯਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਡ ਮਰੇ ਦਿਲ ਇੱਦੇ ਆ ਅਸਾਂ ਇੱਦੇ ਵਧਿਆ ਐ ਰਾਏ, ਮਗਰ ਉਹ ਬਗਲੋ ਲੋਇਆ ਵਧਾ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੰਜਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ।
नहीं आंदी। अल्लाह करीम फरमांदा है जेड़ा एक वरी दीन इस्लाम तो थिड़क जावे इन समझो के जलालत दी खाई च गिर गया है। इतो चाचा इस्माइल भी साढ़ मरेंदा है, कलीमुल्ला भी साढ़ मरेंदा है, हाजी अशरफ भी साढ़ वड़ा मरेंदा है। ओ तेरा टिकाणा त ए रब द कुरान तू गैर मुकद्दर चके वड़ा करे ना है। तेरा रस्ता त हिदायत द कुरान है, तू चिल्ले किदे वड़ा लैंदा है। इन्दी गुमराही दी दल दल ते जंगल दे अंदर फस वैंदा है। उसनो वल साडा साड भी सुनींदा नहीं पिया, ओनू साड मार के ओनू पया दया है। कुल इल्ला हुदल्लाहे वल हुदा, असल हिदायत हो है जेरी हिदायत रब ने कुरान च बयान कर दितिया है। दुनिया दी कै किताब ते कै फतवे ते कै लिखत दे अंदर, दुनिया दे वड्डे तो वड्डे अकादर दी तहरीर ते रब ने हिदायत नहीं रखी। हिदायत दा खजाना जड़ी शै बन के आई है। रब दा कुरान फरमांदा इन्ना हुदल्लाह, और रब दा कुरान जिंदे जरिए तैनू सिरात मुस्तकीम मिलना है। मगर रिवायात च इन खो गया है, हिकायात दे जंगल च इन फस गया है। इहदे कन्न ते कुरान दी आवाज़ तां पहुंचदी पई है, मगर अंदर इहदे दिल ते असर नहीं पई करदी। उस वक्त मोमिन नू सड मार के आता है, साडा तां इख्तियार इहो कुछ आई के तैनू सड मार के हिदायत आले पासे लै आवाए, मगर तू वत वी नहीं पिया आंदा। तो सुन वो मेरा नुसलेमा, तू साडे नाल रल ते भावे ना रल, ले नुसलेमा ले रब्बिल आलमीन। असां दा फर्मा बरदारी करनी है तो कहीं नहीं करनी है, असां अमल करना है तो मुहम्मद दी सुन्नत नाल करना है। तू भावे सानू छोड़ के लगा भी वंग, तेरियां जुदाइयां तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर कै सूरत च मुहम्मद दी नालों फुट के राणा गवारा कोई नहीं है। मतलब ये जड़ा हिदायत तो वैंदा है ना थिड़े, इस्तहवत हो शैतान, ओदे दिमाग नो मन के हलैंदा तो शैतान हलैंदा, ते फिर ओदा दिमाग इंदा चकरा वैंदा है कि ओनू सड़न वाले सड़ेंदे रह वैंदे, मगर ओ बेहयाई ते जलालत आले जंगल चो निकल सकदा नहीं है। अगर मुर्दे नहीं सुनते तो आप कब्रिस्तान में सलाम क्यों करते हैं? ए वो इस्तहवत हो शैतान, शैतान जदा दिमाग ते हमला करता है ना तो फिर बंदे का दिमाग ठिकाने ते सुन दें ते तां सलाम करते हैं। इत्थे मैं बैठा ते मैं खत लिखदा, उत्ते लिखना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर मैं उत्ते लिखना अस्सलामु अलैकुम। खत लिखे है ना, उत्ते क्या लिखे है? अस्सलामु अलैकुम। खत तो वैना कराची, तो मैं लिखी इत्थे बैठा अस्सलामु अलैकुम, हुण सुनदा बैठा सलाम क्या है? दुआ है। ये क्या है? दुआ है। तो सिर्फ शरीयत च अस्सलामु अलैकुम दा लफ्ज नहीं है, अहादीस के अंदर यह आता है कि कब्रिस्तान जदा जाओ त
ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਯਾ ਅਹਲਲ ਕਬੂਰ, ਯਾ ਅਹਲਲ ਐ ਕਬਰ ਵਾਲਿਓ। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਖਾਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਯਾ ਅਹਲਲ ਕਬੂਰ। ਇਹ ਅਕਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀਂਦਾ ਵਧਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਲਲ ਕਬੂਰ ਆ ਲੈ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਨ ਅੱਲਾਹ ਯਬਅਸੁ ਮਨ ਫਿਲ ਕਬੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਉਣਾ। ਅਨ ਅੱਲਾਹ ਯਬਅਸ ਮਨ ਫਿਲ ਕਬੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਤੋ ਇਹ ਬਤੌਰੇ ਦੁਆ ਦੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ, ਅਸਾਂ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸੁਨਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਨਤ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਮਲ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਹੀ ਮਸਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਇਸਲਾਹ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਮਸਾਇਲ ਪੁੱਛੇ ਕਰੋ। ਇੰਜ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਖਰਾਫਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਮੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਯਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਅਲਬੱਤਾ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਹਲਾਲੇ ਕਢਾਈਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਨੇ ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ? ਕਦੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਨਾ? ਉਹਦੇ ਚਸ ਜੂ ਲਵਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਲੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਇਸਤਿਹਜ਼ਾ ਅਤੇ ਠੱਠਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੇ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਪੁੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲ ਵੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਨਾ, ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਜਤਨਾਬ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦਿਨ ਕੇ ਅਮਤ ਦੇ ਲਗਾਮ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਿਸੀਅਤ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਚਸਕਾ ਨਚਾਇਆ, ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੁਲ ਤੇਰੇ ਨਾਰੇ ਦੀ ਨਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਤ ਮਾਰ ਬਲਾ ਇਹ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਠੱਡੀ ਜਿਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਤਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਲ ਇਨ ਹੁਦਾ ਲਾਇ ਹੁਵਲ ਹੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੇ ਹਿਦਾਇਤ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿਦਾਇਤ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੂੰ ਹਿਦਾਇਤ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈਓ, ਇਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੁਦਾ ਲਾਏ ਹੋ ਅਲ ਹੁਦਾ, ਹਿਦਾਇਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈ,
हिदायत दा खजाना कड़ी किताब है। हुण तो मनो ना सारे मसले रब ने हल कर दिते, तलाक वाला मसला कुरान विच, निकाह वाला मसला कुरान विच, हत्ता खे तेरे मेरे बच्चे जम्मन दा मसला भी कुरान विच, धी ते पुत्र नूं दुध पिलावण दा मसला भी कुरान विच, जमे है ते उहदे कान च इस्लाम दा नाम लवणा, तौहीद दा नाम लवणा, अजान दी सूरत च लै लवणा, ये मसले ने कुरान विच, हत्ता के जे तोड़ी तू जींदा बदाए तेरी एक एक हरकत दे मसाइल हल करने दा तरीका कुरान विच, ते जदा तू मर वैना है हत्ता के तैनू नवावना कफन देवना, हत्ता के तैनू कबर च रखण दे मसले ने कुरान विच, तेरे जम्मण तो लैके वफात तक तेरियां रहनुमाइयां करण वाला रब दा कुरान है, लिहाजा अल्लाह फरमांदा है इन्ना हुदल्ला खजाना मैं रब दा कुरान है, लिहाजा हुण जेड़ा कुरान तो हट गया है ते मेरे प्यो दी किताब चाही वदावे, मेरे प्यो दे उस्ताद दी किताब चाही वदावे, परवी ते देवबंदियां दे बजुर्गां दे दस्तखत आली चाही वदावे, इन समझो के गुमराही दे जंगल च भुल गया है, हुण ए हिदायत नहीं आ सकदा क्योंकि भुल्ले होए दी रहनुमाई करनी है तो सिर्फ रब दे कुरान ने करनी है। एक होंदा है बंदा पहले दिन तो हिदायत तो दूर वदा है, एक अलग है, एक जेड़ा हिदायत ते आके ते वल दूर हो गया, इत्थे उस बंदे दा जिक्र है जेड़ा बनु रत्तु आला काबिना, अल्लाह फरमांदा है हिदायत ते आया है ते वल पिछा लौट गया है, पहले आया है ते कुछ दिहाड़े गुजरे मुशरफ दी कुठी छोड़ गया है, मुशरफ दा जनाजा पढ़ना छोड़ गया है, मन गया है के मोया कोई भी नहीं सुनदा, हर परदे च सुनन वाला कौन है, जानन वाला कौन है, मौत को पाक लान वाला कौन है, इनल हुक्म इल्ला लिल्लाह, जर्रा जर्रा कायनात हुक्म चलावण वाला कौन है, मुख्तार कोल कौन है, वल धक्का लगा तवीजाले पासे तुर गया है, वल धक्का लगाए ते मुशरफ दे पीछे भी नमाजा खला पड़दा है, आधा यार मैनू होर पता लगा है, असा तो जोड़ करना है, मैं उदे रिया तो थोड़ी तोड़ रिया है, अल्लाह फरमांदा ना मुरादा मैं तो कुरान भी दिता आई तो तोड़ वास्ते दिता वा, चोर वास्ते कुरान नहीं आया, ए बल्कि कुरान पाक दा 18वां पार है ते ओदी आखरी सूरत पे शुरू होती है, उस सूरत दा नाम फुरकान है, ते अल्लाह अपने सोहरे पैगंबर नूं प्यादा है, तबारक अल्लज़ी नज़ल अल-फुरकान, ओ मेरा मुहम्मद पाक असा तेरे उत्ते मेहरबानी है की दिए तैनू कुरान अल्लाह तोहफा दिता है, कुरान पाक दी खासियत है अल-फुरकान, ए फुल्ले फुल्ले ते माया माया कर छोड़ेंदा है, मोमिन ते मुशरक नूं नखेड़ देंदा है, पाक ते पलीद नूं नखेड़ देंदा है, मेरे कुरान दा एक कमाल है खेल के दसदा है, पाक ए होंदा है ते
पलीत। ये हर शह बुन के ते खिचड़ी नहीं बनाई दा। अल फुरकान एक करेंदा है, फर्क जाहिर करेंदा है, ये निखोरा करेंदा है। इस वास्ते अल्लाह ने फरमाया शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। अल्लाह फरमांदा बय्यनातिन मिनल हुदा असा हिदायत का खजाना बनाया तो कुरान बनाया है। उतु सोने मोहम्मद के बारे भी अल्लाह पे फरमाता है हो वल्लदी अरसल रसूलहु बिलहुदा। असत पैगंबर नु रिसाला दीती है तो हिदायत वास्ते दीती है। कुरान तेरे दिल च जमा फरमाया है हिदायत वास्ते जमा फरमाया है। शारो रमजान ते उस कुरान अली हिदायत मशक करने वाला महीना रमजान भी दे दिता है। इस रमजान आले महीने दे अंदर अमल भी एत नाल इल्मे कुरान भी होंदा है। अल्लाह फरमांदा है जे अपनी जिंदगी दे एक एक अंग ते जोड़ ते हरकत ते सुकून दे अंदर हिदायत ते ईमान आली दौलत नूं भरना चाहुंदा है। मेरे कुरान ते ईमान रख ते मेरे सोहणे बेमिसाल जवान दी सुन्नत ते अमल करके विखाया कर, क्योंकि मेरा मोहम्मद सोना कुरान तो वख नहीं होता, कुरान मेरे सोने तो वख नहीं हो सकता। हिदायत बन के आई है तो कड़ी किताब है कुरान। हूँ कुरान ने फरमा दिता ला यसमाऊ दुआ अको मोए तुआड़ी कोई भी सुन दे। बोलो ना यार कहीं आखे हूँ बंदा अगू 70,000 किताबा चाह के लै 70,00,000 किताबा लेके आवे कि ओदे मुकाबले च अगू हिक्का किताब रब दा कुरान आवे। 70,00,000 किताबा तैनू आखे नहीं मुर्दे सुनते है। इदू कुरान आखे ला मुर्दे नहीं सुनते। तेरा ईमान के आदा तू कहीं नहीं बने से। बोलो सारे बोलो ना, क्योंकि हिदायत का खजाना है तो कड़ी किताब है कुरान पाक है। सारे जहान दिया छोटिया वडिया किताबा कठिया हो जावे ओ आखन जो औलिया अल्लाह भी आले मुल गए ते तो कुरान औलिया वादी गल नहीं कर रहा, नबिया दे सेहरे दी गल कर रहा, नबिया दे सरताज दी गल कर रहा। अल्लाह दा मेरा सोना असा आम ऐलान तो फरमा दिता ला या आलम कोई नहीं जानता, मगर इस धरती च तैथों वड्डी शान आला मैं रब दियां नजरां च भी होर कोई नहीं है। लिहाजा ये लोग मता वलियां दा नाम लैके ते तैं सोहणे मुहम्मद दी बेअदबी ना कर देवेन। तू आप अपने बारे आख अगे आम तो आई ना ला या आलम कोई नहीं जानदा, हुण अपने बारे आख ला आलम या आलम ते आलम च फर्क है के कोई ना। आम हाई ला या आलम कोई नहीं जानदा, कोई दे विच तां मेरा मोहम्मद पाक भी आ गया मगर मुशरक नूं घर तोड़ी चिकण वास्ते रब ने आख्या तू नवे कला आपे वास्ते भी आ ला आलमुल गैब। मैं दुनिया दे कायनात दा सरदार भी रब दे कमालां विच नहीं शरीक हो सकदा। गैब दा इल्म जानण वाला तो कौन है इक अल्लाह दी सारी कायनात आखे के जानते हैं जानते हैं। इदू कुरान आखे ला अल्लाह तो इलावा कोई जानदा, तू दस तू कहीं दी मने से। सारे बोला ना कुरान नु मना दे। ईमान मिल सी तो कुरान नाल मिल सी, हिदायत मिल सी तो कुरान नाल मिल सी। ते हिदायत ते अगर सोने तो ही वध के चमकार अगर लवनाई तो उस हिदायत ते चमकार मेरे मोहम्मद की सुन्नत वाला अमल करके
सोना तो पत्थरों च पिया होता है ना, तो जो उसनों पालिश किया वह उस पता लगता है। अल्लाह फरमाता अंदर तेरे ईमान आला सोना होवे उत्ते पालिश चढ़े मेरे मुहम्मद की सीरत ते सुन्नत आली, तेरे अमल नूं वेखण नाल पता लगे जो वाकई इसते मेरे मुहम्मद की सुन्नत ते सीरत दा रंग जाए। वो आपने आदे लाल गुदड़िए च पियो होया भी के होंदा है लाल होंदा है, रूड़ी ते पियो होया भी लाल अपनी सियाण खुद करा देंदा है, पता लग लैंदा जो क्या है लाल है। अल्लाह फरमांदा जे अपने आप नूं जाहिर करने ही तैनू किसे दे सामने तारफ ना करावना पै जावे जो मैं मुसलमान हाँ, तेरे अमल तो तेरे किरदार तो पता लगे कि वाकई इस दे अंदर मेरे मुहम्मद दी सीरत दा रंग चढ़िया होया। तो मतलब क्या है हिदायत दा खजाना रब ने किहड़ी किताब बनाई है, ते सोहणे मुहम्मद पाक नूं अल्लाह ने फरमाया सारी दी सारी कायनात तेरे मुखालिफ हो जाए तेरे खिलाफ मनसूबे बनावे मगर मेरा सोना तो हर सूरत च गवाहियां देवणियां तो मैं रब दी तौहीद दी दे किसे मुखालफत दी परवाह करां दी जरूरत अल्लाह अमल दी तौफीक।